50,000 हमीरपुर 75,000 हरिपुर 25,000 सुल्तानपुर 50,000 प्रतापगढ़ 5,000 ओए तेरे गांव ने तो 25,000 देने का वादा किया था, ये 5,000। सरकार बारिश नहीं हुई, सरकार सूखे ने मार दिया फसलों को। हम बादल हैं जो तेरे खेतों पे बरस पड़ेंगे, तेरे खेतों से हमें क्या लेना देना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का। काशीपुर 1,00,000 चंदनपुर चंदनपुर राजा साहब, सुना है चंदनपुर में पुलिस की चौकी खुल गई है, वो लोग अब नजराना नहीं देंगे। ओ हमारे ही राज में हमारे हुकुम के बिना पुलिस चौकी खुल गई है। ओ करतारे राजा साहब, लगता है कलिजुग आ गया है, अब उस गांव में प्रलय तो लाना ही पड़ेगा।
भाई साहब, आप जानते हैं ये गाड़ी किसकी है? मुझे अपनी गाड़ी बाहर निकालनी है। आपने मुझसे कुछ कहा? ये गाड़ी ऐसे कौन पार कर गया जी? ये गाड़ी? हाँ। सर, बड़ा होशियार निकला, अपनी भू तक नहीं छोड़ के गया कि कुत्ते पीछा कर सके। जितने भी चोरियां की उनके सबूत मेरे पास हैं। सैंपल पेश खिदमत है। अगर बाकी जिंदगी जेल में नहीं काटनी हो तो कल 9 बजे होटल कैसल में आकर मिलो। बाकी मिलने पर ऐसा खत लिखने वाला CID का पुत्र कौन हो सकता है? तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उनके सबूत मेरे पास है। सैंपल पेश खिदमत है। सारे ने फोटो भी ऐन मौके पे खींची है। अगर बाकी जिंदगी जेल में नहीं काटना चाहते तो कल 9 बजे होटल कासल में आकर मुझसे मिलो। बाकी मिलने पर तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उनके सबूत मेरे पास है। सैंपल पेश खिदमत है। सैंपल ना होया ये तो परवाना है, मौत हो गया। मादी तरपी हौसला ठीक कर अपना। अगर जिंदगी जेल में नहीं काटनी तो कल 9 बजे कासल में आकर मिलो। बाकी मिलने पर होटल कासल। यादविंदर सिंह, बड़े 30 बार खान समझते थे अपने आप को। चोरी का कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा, पर ये पैर का टका कहां से पैदा हो गया? देवी जी, मुझे बचा लीजिए, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। ऐसा क्या किया है तुमने? देवी जी, मेरे हाथों एक बदमाश का खून हो गया है जो आप जैसी एक शरीफ लड़की की इज्जत लूटने पर तुला हुआ था। इसमें डरने की क्या बात है? तुमने एक अच्छा काम किया है और वो शरीफ लड़की तुम्हारे हक में गवाही देगी। अदालत तुम्हें सजा की जगह इनाम देगी। आप समझ नहीं रही है देवी जी, वो बदमाश का बाप शहर का बहुत बड़ा आदमी है। इससे पहले कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं वो मुझे फांसी दिलवा देगा। देवी जी, मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए, एक दिन आजादी का, ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी। यस। अभी अभी एक खतरनाक मुजरिम इस तरफ आया है, आपने उसको देखा है? अभी तक नहीं। क्या जुर्म किया है उसने? कत्ल किया है। रियली? देखने में कैसा लगता है? लंबा ऊंचा खूबसूरत फर, अपने आप को लड़कियों की इज्जत का रखवाला समझता है। इडियट कहीं का। फांसी होगी तो पता चलेगा कि बड़े आदमियों के मामले में दखल देने से क्या होता है। वो हजरत कौन है? वो हजरत डाकू भी है, चोर भी है और कातिल भी। मिस्टर कातिल, आप इधर आइए। मैं? हाँ। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। देखिए, ऊंचा लंबा खूबसूरत फेर, इसने मेरे दिल पे डाका डाला, मेरी नींद चुराई, मेरे अरमानों का खून किया। कल रात आया है और आज भागना चाहता है। हथकड़ी पहनाइए इसे और मेरे दिल की काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। देखिए मिस्टर,
आप मैम साहब से कहिए कि हमसे ऐसा मजाक न कर रहे, नहीं तो हमें भी कुछ कुछ होता है। डार्लिंग, तुमने इन पुलिसियों को यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि अब तुम भाग नहीं ना पाओ। देखो इंस्पेक्टर, मैं भी बहुत बड़े बाप की बेटी हूँ, अगर तुम इन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो मैं भी तुम्हारी वर्दियाँ उतरवा दूंगी। हाँ, ये आशिक माशुक का आपस का प्रॉब्लम है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। चलो, चलो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। सर, मुझे तो ये वही खतरनाक कातिल लगता है। खामोश। सर, हम लोग यहीं पर देते हैं, समझे कि नहीं? तुम लोग आसपास देखो, मैं इधर उधर देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि वो डार्लिंग है या कातिल। चलो चलो, अपनी अपनी पोजिशन लो। आजा तुझे मैं बाहों में कस लूं, दुनिया देखे नो प्रॉब्लम। आजा तुझे मैं बाहों में कस लूं, दुनिया देखे नो प्रॉब्लम। जाना दिल 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 दे दे, दिल 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 ले ले। अरे आजा तुझे मैं बाहों में कस लूं, दुनिया देखे नो प्रॉब्लम। Show with it.
कट जाएगी, कांटों पे सो के नो प्रॉब्लम। आजा तुझे मैं बाहों में कस लूं, दुनिया देखे नो प्रॉब्लम। थैंक यू। लाओ मेरा माल निकालो। ये रहे 4,800। इसमें 200 कम क्यों? पुलिस की वर्दियों का भाड़ा। प्रिंस तुमने तो कमाल कर दिया, क्या खूबसूरती से पटाया है। कौन है आप लोग? आप अपने आप को स्वर्ग की अप्सरा समझती थी, बड़ी अकड़ती थी। हमने प्रिंस के साथ शर्त लगाई थी कि अगर वो आपको एक बार गले लगा ले तो हम उसे पूरा 5,000 रुपया देंगे। लेकिन इसने तो आपको 20 बार गले लगाया, वो भी कसके। हमने बराबर गिना। अरे क्या उल्लू बनाया है आपको। प्रिंस साहब, जानते हैं आपने क्या किया है? आज के बाद कोई लड़की किसी निर्दोष की मदद नहीं करेगी। आपने मेरा इंसानियत पर से विश्वास उठा दिया है। ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी, याद करोगे, कि मुझको 20 बार गले नहीं लगाया, मौत को गले लगाया है, और वो भी कस के। या पापा रु पापा। तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं, सबके सबूत मेरे पास हैं। अगर बाकी की जिंदगी जेल में नहीं काटना चाहते हो तो आज रात को 9 बजे होटल कासल में आकर मिलो। बाकी मिलने पर बारे में तुम क्या जानते हो? तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं अपने बारे में जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता, और मैं भी जिंदगी में कभी सबूत नहीं छोड़ता। झगड़ा करना बेकार है। चिट्ठी मैंने तुम दोनों को लिखी है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं तुम दोनों को मिलूं, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो और मेरा इंतजार करो। इस साले की बात सुनकर लगता है तुम तो नहीं हो, लेकिन जो भी है मामला बात कर रहा है। इस कोई भी हो लेकिन बड़ा हरामी है। इस मां के दीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए जी, आइए आइए। नमस्कार, मैं सीमा हूँ, काशीपुर में स्कूल चलाती हूँ, और ये मेरा भतीजा राहुल। आप लोगों की चिट्ठी मिली, विश्वास नहीं होता। आज के जमाने में आप जैसे शरीफ लोग सेवा करने को तैयार हैं। आपने काशीपुर गांव में सोशल सर्विस करने का इरादा करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये रही आपकी चिट्ठी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? हिंदी है। सीमा जी, हम इतने अच्छे लोग हैं कि सरकार हमें घर जवाई बनाकर 15 साल के लिए ससुराल में रखना चाहती है। पढ़ो। हम घर जवाई बनना नहीं चाहते,
इसलिए हमने फैसला किया है कि तन मन धन से काशीपुर वालों की सेवा करें। सुनिए जी, ना ही हमने ये चिट्ठी लिखी है, ना ही हम सोशल सर्विस करते हैं, और ना ही हम शरीफ आदमी हैं। देखिए, आप गलत कमरे में आ गई हैं, हमें किसी और का इंतजार है, जाइए। हेलो, गौर से सुनो, ये लड़की जैसा कहती है मान लो, वरना पुलिस की गाड़ी नीचे खड़ी है। यहाँ से तुम लोग सीधे ससुराल जाओगे, बाकी काशीपुर में मिलने पर। अच्छा, चलती हूँ। और सुनिए जी, सुनिए, एक मिनट, क्या नाम क्या आपका? सीमा। सीमा जी, ये खत हमने ही आपको लिखा था। और सोशल सर्विस कहाँ, आपको बचपन से शौक है, मम्मी मैं कहा और भी बढ़ गया है। क्या है कि हम खानदानी पदयात्री हैं, आप गए तो हम पैदल ही आ जाएंगे। आ जाएंगे। नहीं नहीं, पैदल आने की कोई जरूरत नहीं है, परसों स्टेशन पर बैलगाड़ी आपका इंतजार करेगी। जी जी जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। कितना प्यारा बच्चा देखे बेटे। नमस्कार। अच्छा जी, ये ढोल गले पड़ गया है, बजाएंगे? बजाएंगे। क्या सवारी है, ना नीचे तकलीफ ना ऊपर तकलीफ। चला भाई, चला जोर से चला। नमस्ते जी, नमस्ते जी। यह है सेठ सूरजमल, यहाँ के जमींदार। ठीक है भी, अब जमीन तो सरकार ने छीन ली और बाकी बची सो लुट गई। अब रोजगार करते हैं शहर में ट्रांसपोर्ट का। और ये है छेला, बेचारे की शादी नहीं हुई। आइए चलिए चलिए। आया आया। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ते हैं तब तब उन पापों का सर्वनाश करने के लिए वो जन्म लेते हैं। लेकिन काशीपुर और उसके आसपास के इलाकों में पाप इतने बढ़ गए हैं कि सिर्फ एक अवतार काफी नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने हम सब पे मेहरबानी करके दो दो अवतार भेजे हैं और वो सौगंध खाते हैं कि गांव वालों को हर खतरे से बचा कर रखेंगे। ये क्या रक्षा करेंगे, ये अफसर सब एक जैसे होते हैं। जब भी डाकू सुंदर सिंह और उसके साथी हमला करेंगे तो ये धूम दबा कर भाग जाएंगे। गांव वालों, ये दूध पीने वाले मजनू हैं, जान देने वाले नहीं। ए पान वाली, चुप। जानती नहीं सरकारी अफसरों के खिलाफ बात करना जुर्म है? ये उन पहले वाले सरकारी अफसरों की तरह नहीं है जो डाकुओं को देके भाग जाया करते थे। ये तो जान देने को तैयार हैं। डाकुओं को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हाँ जी, कर देंगे, खत्म कर देंगे। आप लोग डाकुओं को खत्म कर देंगे तब तो मेरी शादी हो जाएगी। मेरे को कोई लड़की नहीं देता इसलिए क्योंकि डाकू अगर मेरे को मार देना तो मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। हम तुम्हें रंडवा नहीं होने देंगे। इनका मतलब है हम तुम्हें विधवा नहीं होने देंगे, यानी कि तुम्हारी बीवी को विधवा नहीं होने देंगे। मेरी माँ तो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाएगी। माँ माँ। अब मैं गाँव की सब लड़कियों से प्रार्थना करती हूँ कि वो इन दोनों महापुरुषों को राखी बांधकर अपनी रक्षा का प्रण लें। एक मिनट, आप भले शौक से मुझे राखी बांध दीजिए लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरी कोई बहन नहीं थी, मैंने गांव की एक लड़की को अपनी बहन बना लिया। राखी के दिन मुझे राखी बांधी उसने, भाई बनाया, लेकिन राखी ठीक 10 दिन बाद वो बेचारी चल बसी। मैंने फिर दूसरी राखी के दिन ऐसी एक और लड़की को बहन बनाया, वो भी चल बसी। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप ये मेरा छोटा भाई है, इसे बांधिए, बांध दीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गांव की तमाम लड़कियां इसे राखी बांधेंगी, बहुत ही नेक, बहुत ही प्यारा बच्चा है। सुना है साला सुंदर सिंह बड़ा जालिम आदमी है, गोली पहले मारता है, नाम बाद में पूछता है। उसके डर से पुलिस वाले भी चौकी को ताला लगाकर भाग गए हैं। बड़े भाई, हम लोग चोर हैं, कोई तीतर या बटेर नहीं कि डाकू हमें भूनकर खा जाए। ये ब्लैकमेलर भी यही चाहता है। ब्लैकमेलर की तो मैं, अरे तेरी जेब में माल कितना है? 6-7 बोतलें है ना। बोतल की नहीं यार, मैं रोकड़े की बात कर रहा हूँ। रोकड़ा कितना है? माल 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 बहुत है, बहुत है मेरे पास भी बहुत है। एक काम करते हैं,
जहां ब्लैक मिलर तो क्या उसका साया तक न पहुंच सके, ऐसी जगह ढूंढते हैं। कहां? काला पानी। काला पानी अंडमान? तो बड़े भाई ऐसा करते हैं, आज रात को ही यहां से निकल लेते हैं। हाँ, निकल चलते हैं। ये लीजिए सरकार, ये देखो सेठ, पेशगी की पोटली, पूरे 4 पेटी है, 4 लाख, बाकी माल आने के बाद। राजा साहब, आप बहुत किस्मत वाले, मेरी कश्तियां बहुत मुश्किल से कस्टम की नजरों से बच के निकली हैं। अब साल भर और माल मिलने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए जरा संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन माल मेरे हाथ कब आएगा, मुझे तो अभी जरूरत। आप फिक्र मत कीजिए राजा साहब, गोला बारूद और हथियारों से भरा ट्रक MMP 3390 आज रात ठीक 9 बजे आपको काशीपुर के 20वें माइलस्टोन पे मिल जाएगा। तो ठीक है, हमारा आदमी 20 माइल पर तुम्हारे ट्रक का इंतजार कर। मगर मेरा ड्राइवर पहचानेगा कैसे कि वो आपके आदमी? अरे उसके हाथ में बोतल होगा दारू का और ट्रक को रोकने का इशारा करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा लगना चाहिए कि आपके आदमियों ने मेरे ट्रक को लूटा है, चाहते हुए ड्राइवर और क्लीनर को बांध जाए। डाकू को बोलता लूट लो, पुलिस को बोलता लूट गया, तेरे को तो पॉलिटिक में होना चाहिए था। ये लो पकड़ पाए था। अरे अब तो 1-2 किलोमीटर का सफर बाकी है, फिर तू तेरे घर और मैं मेरे घर। काशीपुर 19 किलोमीटर। रांझे चीखा ऊपरी चढ़ा। ओ शाहजी, ऐसी भी क्या बेसब्री, आप लोग 1 मील पैदल ही चल के आ गए। और तेरी मुछदी खैर हो जाए, 4 मील चलकर आ गए, पर तुझे कैसे पता चला? ओ जी, हमको सब पता है। ए लो चाबी, ट्रक अब आपकी हो गई, चाहे जहां ले जाओ। ट्रक आपकी है, लगता है पूरी बोतल गिर गया है। बड़े भाई, अपने बाप का क्या जाता है, चाबी ले लो, ट्रक लेके मुझे ला भाई चाबी। ये लो और दर। ना जी ना, हम ड्यूटी पर हैं, अब तो रस्सा निकालिए। रस्सा किस लिए? बोले बादशाह, भूल गए? हमें पहले ही पता था कि आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने बंदोबस्त कर रखा है। जोगिंदर ला रस्सा। हमें हमारे रस्से से बांध दीजिए। मुझे जी, तुम क्या पागल हो जो तुमको रस्से से बांधे? नहीं, ये बात अच्छी नहीं। देखिए, जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी, आप लोग ट्रक में नहीं बैठ सकते, हमें मालिक को जवाब देना है। चलो फिर, आपकी हसरत भी निकाल देते हैं, लगाओ अपनी पीठ ट्रक के साथ। चलो आराम से, आराम से। या ना तेरा जोगिंदर सिंह, तू भी अपनी पिटला दे नाल। मर गया, आंख निकाल दी थी तेरी मोछ ने, अब तो तेरा मालिक नाराज नहीं होगा ना। हाँ, एक सिगरेट तो पिला दीजिए। हम देखिए, मेरी मूंछ का ख्याल रखिएगा। और जी मूंछ का क्या, हम तो अपनी मूंछ का भी ख्याल रखते हैं। हाँ ये लीजिए, खेच खेच। अच्छा चलते हैं। बड़े भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। क्या गड़बड़ लगती है? ये सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है? सोशल सर्विस? सोशल सर्विस का मतलब अपने लिए भैया इस वक्त ये है कि डाकुओं से लड़ाई करो, गोली खाओ और मर जाओ। बड़े भाई, यहाँ लिफ्ट मांगो तो साला ट्रक मिलता है। ये तो है। मुझे तो ये अंधेर नगरी लगती है। अंधेर नगरी लगती है तुझे? वो जगह जहाँ से हम आए वहाँ उस नगरी में रोशनी थी? नहीं, सोचा कम की अगर ये दर। ताजुब है, इधर बोतल खत्म हुई, उधर सामने बोतल लेकर खड़ा है, ये क्या कहीं भूत तो नहीं? भूत?
ये देख वो पीछे चार आदमी, भूत भी होगा तो दारू तो मिलेगी। आजा भूत नाथ जी। नमस्ते जी, ये हमारे लिए लाए हो? हाँ लो पी लो। अरे कितना अच्छा टिंकू, और टिंकू जंगल में हमारे लिए दारू लेकर आए, ले पी ले। मगर भूत जी आपको कैसे पता चला कि हम लोग इधर आ रहे हैं? किसी शराबी का भूत है, इसको मालूम है जब शराबी की बोतल खत्म होते हैं तब लेके आ जाता है। क्यों जी? चाबी ला। चाबी? हम ताले चाबी का धंधा नहीं करते। ए भूत जी, हम लोग बहुत बड़ा धंधा करते हैं। क्यों रहे? हाँ बिल्कुल बड़ा। ऑनर्स ऑनर्स, हमारी इज्जत में ट्रक की चाबी छीन लो और मारकर किसी पेड़ से बांध दो। अब मार के मत बांधो, बांधना है तो ऐसे बांधो। हम हैं शराबी लोग, हम तो बिल्कुल डरते हैं। हम तो दारू के लिए, हम आपके लिए उतरे थे, आप हमको मार के बांध रहे हैं। क्या चाहिए क्या आपको? चाबी लाओ। टिंकू नहीं तो मार के बांध देंगे मेरे ख्याल में इनको। चाबी चाबी दे दो टिंकू, दे दो चाबी। चाबी मेरे पास नहीं है बड़े भाई, तेरे पास है। किधर है? मेरे पास, तेरे पास है चाबी। मेरे पास? हाँ दे। चाबी दे 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 घुमा दे 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 मैं दे दे चाबी। हाँ ए भाई, ये छोटा भाई चाबी देगा आप। टिंकू मेरी गोलियां खत्म हो गई, उस साले का पट्टा खोल और फेंक दे ऊपर, फेंक दे। थैंक यू। We'll be right back.
आदमी को मार दिया। किधर साले है कोई है यार देख भागे सब साले भागे साले सब। ए, भाई टिंकू मुझे लगता है हम भाई भूतों में फंस गए। वो साला मिला था पहले मूछ वाला बोलता था शाजी हेलो शाबी ट्रक भी छोड़ा तू सी चलाओ आसान बांध दिया तेन पता पता है। उसके बाद हमने ट्रक चला दिया फिर एक बाटली वाला सामने आया तेन पता पता है बड़ा अबे बाटली के लिए हम उतरे वो उसके बाद पांच साल बंदूक वाला तेन पता पता है बड़ा भाई अबे बंदूक वाला लड़ना शुरू कर दिया तेन पता है पता है बड़ा भाई और हमने डट के मुकाबला के साला तेन पता है बड़ा भाई अभी जाके सोते हैं मुझे बहुत चढ़ गए मुझे तेरा तू छोटा गला खराब हो जाएगा तेरा मैं तन तन पता है बड़ा भाई चल वो काशीपुर पे जाके सोते हैं माँ की तेरी हम मैं तेरी मर गया किधर है काशीपुर का बिस्तर काशीपुर तनु पता चार हरियाली घास रात को नहीं थी बड़े भाई आके खोलो बड़े भाई बड़े भाई मेरा सर मेरा भी सर बड़े भाई ट्रक भी गायब सड़क भी नीचे से गायब ये क्या ट्रक के तो पहिए थे कोई ले गया होगा ये सड़क नीचे से कैसे निकल गई बड़े भाई मुझे लगता है कि अपने साथ चक्कर हो गया कहा था देसी दारू ज्यादा मत पियो अंकल कौन है बे अरे अंकल आप लोग यहाँ पर हो मैं तो आपको घर में ढूंढ रहा था बस स्टैंड पे एक मुसाफिर ने मुझे चिट्ठी दी है 5 रुपए भी दिए ये खत आपको देने के लिए अगर अंडमान भागने की सोच रहे हो तो याद रखो अंडमान भारत में है और कालापानी की जेल वहां तुम्हारे इंतजार कर रही है वापस गांव चले आओ ये तो उसी टाइपराइटर से लिखा हुआ खत है अरे बेटी ये खत तुम्हें किसने दिया उसी आदमी ने कौन सा आदमी जो बस में चला गया कौन सी बस में गया मालूम नहीं वो कैसा था देखने में अगर तुम उसे फिर देखोगे तो पहचान लोगे हाँ जरूर पहचान लूंगा अच्छा मैं चलता हूँ दीदी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी टिंकू लगता है ये साला ब्लैकमेलर हमारे पीछे इस गांव में पहुंच गया है अगर वो गांव में है बड़े भाई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चलो गांव चल जिस तरह दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम उसी तरह गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम और तेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है छह की छह गोली पर तेरा ही नाम लिखा हुआ है पैसा लिया हमसे और माल किसी और को दे दिया राजा सुंदर सिंह के साथ धोखा किया तूने नहीं राजा साहब नहीं जरूर कोई गड़बड़ हुई ट्रक आप तक नहीं पहुंचा बीच में से कोई और ले उड़ा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रही है ट्रक कोई और ले गया है मैंने सुना है तेरी बेटी जवान हो गई है सुंदर सिंह ये मत भूलो कि तुम एक डाकू हो और मैं एक जमींदार ये बात और है कि आज मेरी जमींदारी नहीं रही तुम डाका डालते हो और मैं तुम्हें हथियार सप्लाई करता हूं मैं तुम्हारी इज्जत करता आया हूं और तुम मेरी मेरी इज्जत पर हमला करने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी हम तो धड्डा कर रहे थे और तुम नाराज हो गए भाई तुम हमारे दोस्त हो और हम अपने दोस्त की जान कैसे ले सकते हैं अरे गुलाब सिंह हाँ सरकार तू हमेशा सेठ जी के साथ रहेगा और इनकी हिफाजत करेगा जी अब असली बात पे आवे किसी भी तरह उस ट्रक को ढूंढ निकालो क्योंकि हमारे पास गोला बारूद बहुत कम रह गया है ये देशी दारू ने तो Oh.
ये क्या हो रहा है जी? गांव वाले आपकी जय जयकार कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। खुशी किस बात की? अरे आते ही आपने कितनी बहादुरी दिखाई, डाकुओं को मार भगाया और उनके एक आदमी को भी पकड़ लिया। इन्होंने क्या पकड़ा होगा, बटेर की तरह पांव तले आ गया होगा। चुप। ए बिल्ली, वो बटेर का यहाँ देख सकते हैं? आइए भाइयों, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। अपना काम करो, हम बटेर देख कर आते हैं। जय जयकार जय जयकार, आप लोग तो सचमुच भगवान के अवतार हैं, एक राम और दूसरा लक्ष्मण, मुझे अपना दास बना लो ना, हनुमान जी जैसे राम जी के दास थे। हनुमान जी की तो दुम थी और उन्होंने दुम से लंका जला दी थी, आप क्या कर सकते हैं? मेरी तो दुम भी नहीं है और मुझे तो शादी भी करनी है। शादी भी करनी है? अच्छा तुम एक काम करो, लड़की ढूंढो अच्छी सी, ये तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये करा नहीं है। करवा देंगे। लड़की कहाँ पे ढूंढू? ये रहा तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता इश्तेहार। क्यों डाकू जी? अरे ये तो मरा हुआ है, इसे इस तरह बांध के क्यों रखा है? मरा हुआ तो है लेकिन बिल्कुल जिंदा नहीं लगता। ये नाटक का क्या मतलब है? जब सुंदर सिंह को पता चलेगा कि तुमने उसके आदमी को जिंदा पकड़ा है और वो सरकारी गवाह बनने वाला है तो वो घबरा के अपने आदमी को छुड़ाने आएगा। फिर तुम दोनों का सुदर्शन चक्र चलेगा और सुंदर सिंह और उसके साथियों का सर तुम्हारे कदमों पे। इस तरह अचानक ना तार ना चिट्ठी सीधे भाई है। ये लीजिए एडमेल, आपकी जरूरी चिट्ठी आई है। अच्छा आओ। सरकार सरकार सरकार, क्या हुआ? गजब हो गया, सुरजन सिंह पकड़ा गया। ओ मेरे राज में मेरे आदमी के ऊपर हाथ लगाने वाला ये कौन माइकल लाल पैदा हो गया? सरकार काशीपुर में जो दोनों अफसर आए हैं ना, उन्होंने सुरजन सिंह को रस्सों से जकड़ रखा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ और सुना है वो सरकारी गवाह बन जाएगा। करता रहे सरकार। मेरी तो समझ में नहीं आता, ये सरकारी ऑफिसर लोग मेरे गांव में मेरे हाथों मरने क्यों चले आते हैं? तू एक काम कर, एक टोली बना के ले जा और सुरजन सिंह के साथ उन दोनों ऑफिसरों की भी घिग्गियां बंद कर दे। आगे आगे। सर हमारे हवाले कर दो नहीं तो सारे गांव को उजाड़ देंगे। पड़ गए ना मुश्किल में मेरे सरकारी अफसर। हम सरकारी अफसर नहीं हैं जी, सरकारी सांड है। ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ। मैं जान बचाने का एक आसान तरीका बताऊं? ये लो घाघरा चोली पहन लो, निकल जाओ। पिछला सरकारी अफसर है ना, वो भी मेरी घाघरा चोली में भागा था। डाकू लड़कियों को कुछ नहीं करते, जरा सा दिल आ जाए तो दिल लगी जरूर करते। इन्होंने तो दिल लगी शुरू कर दी, इससे पहले के छाले पड़ जाएं, पोजीशन ले ले जल्दी। ये
मैं जैसे पता हूँ सालों को तो चिढ़ गया है। अरे कोई बताएगा सुरजन सिंह का क्या हुआ? सरकार, सुरजन सिंह कभी नहीं बोलेगा। और वो अफसरों के सर, जान बख्शी हो तो हम एक बात बोलें सरकार। बोलो। हमें तो वो सरकारी आदमी लगते नहीं, मगर बड़े दिलेर बड़े जवान हैं वो दोनों। हमारे काबू में आए लेकिन फिसल फिसल गए। फिसल फिसल के नहीं करता रे, गीदड़ों में शेर पैदा हो गए, मगर उनको नहीं मालूम कि हमें भी शेर का शिकार करने का बड़ा शौक है। अब मजा आएगा करता रे, अब मजा आएगा। बड़े भाई। बोलो क्या है। हमको लेने शहर से सीमा आई थी। यहाँ चिट्ठी उसके भतीजे राहुल ने दी थी। अरे अरे बबुआ, समझ गया तुम्हारा मतलब है कि सीमा देवी का टंका उस साले ब्लैकमेलर से है। हाँ। और हम मिलके उसकी बेटे ये बलदेव हलवाई की दुकान से मंगवाया है खास, ये चमचम, ये रसमलाई और ये गुलाब जामुन, तेरा जो जी चाहे खा ले। और सुनो भाई, वो छोले और कचौरियां तैयार करो। ना दिवाली है ना दशहरा, फिर ये मिठाई की क्या जरूरत है? हौसला रख बड़े भाई, हौसला रख बेटा। बात यह है कि सिंह साहब का भी एक भाई था। मत बोल। वो भी तुम्हारी तरह था ना, शक्ल भी तुम्हारी तरह थी, है ना बड़े भाई? बेचारा मर गया। बेटा हमारा क्या भरोसा, डाकुओं से मुकाबला है, हम कभी भी मर सकते हैं। हा? इसलिए सिंह साहब ने फैसला किया है कि वो कुछ जायदाद तुम्हारे हवाले कर। बेटे मेरे चिप्पू की शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती थी,
कागज किधर है? ठहरो। हाँ बेटे, ये सारी जायदाद मैंने तुम्हारे नाम कर दी। मेरे नाम? कमाल है, कल कल लौंडा, अरे मैंने तुम्हारे पसीने पे खून बहाया है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तेरे लिए भी करता हूँ। देख सुन बेटे, अगर तुम्हारा ये छोटा अंकल बाय चांस डाकू से बच जाए तो 500 रुपए इसको देते रहना, और अगर ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो एक दमड़ी तक नहीं देना इसको। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, सिर्फ 500 रुपए मेरे लिए, ये लो। मैं जज्बाती हूँ इस वक्त, मेरे को इधर आ बेटे, इधर आ, मेरे पास आ। देख बेटे, यह जायदाद का मामला, अभी तो मैंने कागज दिए ही नहीं, ये 500 मांग रहा है। सुनो, ये 500 मांग रहा है, अभी कोई दूसरा आएगा। दूसरा कौन है? एक तेरी मौसी है, और तेरी वो मौसी का कोई, तेरी मौसी ने शादी तो नहीं की अभी ना? नहीं की। हाँ अच्छा है। बेटा, उनके शहर में कोई प्रेमी तो नहीं? नहीं तो। सुना है बेटे उधर कोई उसका वो टाइपिस्ट वाइपिस है उधर? हिंदी में टाइपिंग करता है। मैंने कहा ना नहीं है। नहीं बेटे सुनो सुनो, क्या होता है ना, कभी कभी ये बड़ी होती है ना, ये हमारी ये मौसियाँ, इनकी वो हो जाती है लव, और लव करके बच्चों को बताती नहीं, चुपके से शादी कर लेती है। समझ गया मैं, लड्डू पेड़े खिलाकर आप लोग मुझे मेरी मौसी पर जासूसी करने को कह रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे आपकी जायदाद। अरे अरे राहुल पुत्र जी, ये चमचम, ये रसगुल्ला, ये रसमलाई है बड़े भाई, ये लौंडा हमारे बातों में नहीं आने वाला है, बहुत चंट है। अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? इसकी मौसी को तुम पटा लो। अरे फिर क्या होगा? जो काम मिठाई नहीं कर सकती वो इश्क कर सकता है। महबूबा अपने महबूब से राज कभी नहीं छुपाती। बात तो है। हाँ। तो फिर दुनिया की ऐसी कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं फंसा सकते जानी जी? तो फिर जाओ जानी, हमारी चाल देखोगे जानी? हाँ। देखो हम कैसे चलते हैं। जब शहजादा सलीम हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने ही वाला था तो उसे नाचने वाली लड़की अनारकली से प्यार हो गया और उसने अनारकली से शादी करने की जिद की। अकबर को यह बात बहुत बुरी लगी तो बेटे ने बाप के विरुद्ध बगावत कर दी। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और सलीम की हार हुई। अकबर ने इंसाफ के तौर पर सलीम और अनारकली दोनों को जिंदा चुनवा दिया दीवार में। दीदी, अगर शहजादा सलीम मारा गया तो जहांगीर कौन था? राजा बनने के बाद सलीम का नाम ही जहांगीर पड़ गया था। लेकिन दीदी, वो तो मारा गया था, और नूरजहां कौन थी दीदी? नूरजहां अनारकली की बहन थी और कबूतर उड़ाया करती थी। दीदी, मैंने इतिहास की किताब पढ़ी है, आप गलत पढ़ा रही हैं। खामोश। देखो आज तक जो कुछ तुमने पढ़ाया वो सब गलत था, और तुम्हारी दीदी जो पढ़ा रही है वही सही है। अब पुरानी किताब पढ़ने से क्या फायदा? मेरे ख्याल से क्यों बेटे, आज छुट्टी चाहिए? हाँ छुट्टी चाहिए, तो जाओ सबको छुट्टी। दरअसल मैं आपको देख के घबरा गई थी, ये बच्चे बड़े ही गंवार हैं जी, बड़े जाहिल हैं, और फिर आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इन बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी है, आपको तो किसी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए था। लेकिन हमारे गांव में कोई कॉलेज है ही नहीं। कॉलेज? ओह, कॉलेज खुलवा देंगे जी, और कॉलेज, काश हमारी शादी हो चुकी होती, हमारे बच्चे बड़े होते, आपके पास पढ़ने आते, कितने बड़े शहरी बनते वो। आपने शादी क्यों नहीं की? शादी? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही अच्छा सवाल किया। शादी हम कब की कर चुके होते, लेकिन ये शहर की लड़कियां हैं ना, इनकी नजरें इंसान की दौलत पर ज्यादा इंसान पर कम होती हैं। आप बहुत गरीब हैं जी। आप बहुत बड़ी मजाक हैं जी, हम अच्छे खासे रईस हैं जी। वैसे शादी बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। वैसे आपकी शादी हुई? जी नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? 40। 40? 40 बच्चे आपके हैं? ये स्कूल के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। गॉड, कितनी महान है आप, सचमुच बहुत महान है। वो मेरा मतलब, मेरी मुराद थी अपना, अपने खून से, अपना खून हो। खून का रिश्ता है ना, आप मिल तो चुके हैं उससे, राहुल। राहुल तो आपका भतीजा होगा ना, वो आपका अपना वो थोड़ी हो जो मैं। क्या मतलब है आपका? मतलब जी, वो
आप आज रात को आप क्या कर रही हैं? जी मेरा मतलब आज मैं आपसे मिलने आऊंगा, वो मुझे आपसे खास बात करनी है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। मेरी जिंदगी बदल देगी? हाँ, वो एक काम कीजिएगा, जो आपका शरीर भतीजा ना राहुल, उसको कहीं बाहर भेज दीजिए। और मैं नमस्ते जी। मुबारक हो टिंकू साहब, क्या बहादुरी से लड़े हैं आप लोग। अब मुझे विश्वास हो गया आप लोग रामराज जरूर ले आएंगे। टिंकू साहब, मेरा एक ट्रक चोरी हो गया है, मुझे यकीन है आप उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। आपका ट्रक? हाँ, इसी इलाके में। डैडी, ये तो खुद राखबुला खच्चर है, ये क्या ट्रक ढूंढेगा। ए बेवकूफ लड़की, जानती नहीं हम सरकारी अफसर हैं? ज्यादा बदतमीजी की तो तिहार जेल में बंद कर देंगे। सरकारी ऑफिसर, मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड देख सकती हूँ? हम ऊपर से नीचे तक आइडेंटिटी कार्ड है मेम साहब, नजर नहीं आता। मुझे तो तुम खाली लिफाफे लगते हो। डैडी, मैं इस लफिंग को बॉम्बे से जानती हूँ, बाजारी लड़कियों के साथ बाजारी हरकतें करते देखा है। आप ही बतलाइए, इस छोटी उम्र में कोई बड़ा ऑफिसर हो सकता है? नादान लड़की, अगर तू इनकी बेटी ना होती तो हम तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहना देते। क्या पहना देते छला? हथकड़ी पहना देते। हाँ, आजकल अफसरी के लिए काबिलियत देखी जाती है, उम्र नहीं। भगवान, ये भी तो जवान है। शट अप छला, जवानी से कुछ नहीं होता। जवानी के साथ साथ यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, तो आपका ट्रक हो गया है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मगरूर लड़की, तू भी क्या याद रखेगी, छैला ने तुम्हारी सिफारिश की है, अब तुम्हें भी सरकारी ड्यूटी देनी होगी। तुम हेलीकॉप्टर उड़ाओगी और हम तुम्हारे साथ बैठकर ट्रक ढूंढेंगे। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग क्लब का है, तुम्हारे बाप का नहीं। हेलीकॉप्टर ना मेरे बाप का है ना तुम्हारे बाप का है, फ्लाइंग क्लब सरकार की है और हम सरकार है। सरकार? आप तो भगवान है, आप इनकी बात मान लीजिए ना भाभी जी, बहन जी। बेटी, सरकार की मदद करना हर ईमानदार शहरी का फर्ज है। और फिर ये बेचारा तो हमारा ही ट्रक ढूंढ रहा है। लगता है हमारी नौजवान सरकार को हेलीकॉप्टर की सैर का बड़ा शौक है। चलिए हम दिखाते हैं आपको आसमान से जमीन कैसे दिखाई देती है। वाह, क्या नजारा है। वाह 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 वाह। हाँ, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे, क्या कर रही है? अरे बचा दे बड़े भाई। अरे देखता हूँ। अरे तश्तरी, स्पेशल ऑफिसर टिंकू रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी, आपसे मुखातिब है। अभी अभी खबर मिली है कि जंगल का राजा शेर, उसकी रानी का जन्मदिन है, लेकिन रानी अपने राजा से बहुत रूठी हुई है, क्योंकि जब तक रानी का मनपसंद डिश एक सुंदर सी नारी पेश नहीं की जाती वो मानेगी नहीं। इसलिए जंगल का राजा
आप जैसी एक सुंदर नारी का शिकार करने के लिए निकल पड़ा है। यह तो शेर साहब का सौभाग्य है कि इस वक्त आप जैसी सुंदर खूबसूरत कुमारी इस जंगल में मौजूद है और आपकी यह गाड़ी एक टट्टू की तरह अटकी हुई है। यदि आप यही चाहती हैं कि आपका ये नरम नरम अंग, ये मत भरी आंखें, ये रसीले होंठ और वगैरह वगैरह शेरनी करने वाला ना बने, तो आइए हमारे घोड़े पर लिफ्ट ले लीजिए, हम आपकी जान बचा लेंगे। शट अप, मैंने बहुत शेर चीते देखे हैं, आप उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। आपकी मर्जी। तू है शोला तो हम है तूफान, नशा हुस्न का उतर जाएगा, चक्के तेरे छुड़ा देंगे, किया करेगी याद उम्र भर, ऐसा सबक सिखा देंगे। उलझना हमसे नहीं है आसान, उलझना हमसे नहीं है आसान, जो तू है शोला तो हम है तूफान, नशा हुस्न का उतर जाएगा, छक्के तेरे छुड़ा देंगे, किया करेगी याद उम्र भर, ऐसा सबक सिखा देंगे। दिखा दिखा के हुस्न के जलवे उसने हमारा होश उड़ाया, अजब तो ये है गजब तो ये है, अरे दिल ये हमारा उसी पे आया, उठाए सर पे मौत का सामा, उठाए सर पे मौत का सामा, किया था दिल से वफा का अरमा, नशा हुस्न का उतर जाएगा, छक्के तेरे छुड़ा देंगे, किया करेगी याद उम्र भर, ऐसा सबर सिखा देंगे। को दिल तुम कभी तो दोगी, अरे दिए बिना दिल नहीं गुजारा, दुआएं तुमको दिया करेंगे, हमी को दे दो ये दिल खुदारा, नजर ना फेरो मेरी जाने जा, नजर ना फेरो मेरी जाने जा, किसी के दिल पर करो कोई एहसान, नशा हुस्न का उतर जाएगा, छक्के तेरे छुड़ा देंगे, किया करेगी याद उम्र भर, ऐसा सबक सिखा देंगे।
छक्के तेरे छुड़ा देंगे, किया करेगा याद उम्र भर ऐसा सबक सिखा देंगे। थोड़ा सा सेंट फिट, एकदम फिट बड़े भाई। अब चलो, सीमा इंतजार कर रही है, तू चल मेरे साथ। बड़े भाई, आप वहां लड़की फंसाने जा रहे हैं या मछली पकड़ने जा रहे हैं? जो मैं साथ चलूं? तू समझता नहीं रे, सिचुएशन बड़ी डेंजरस है। वहां सीमा अकेली, अगर वहां कुछ हो गया तो? कुछ होना ही तो चाहिए बड़े भाई, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तू जानता नहीं मेरा वास्ता बड़ी अजीब औरतों से पड़ा है, और मुझे आदत है पहले पैसे दिखाकर भाव करने की, और अगर कहीं मैंने भाव के लिए पैसे बढ़ा दिए और फिर टपट पड़ गया तो। ये लो पैसे, अब मेरे पास है, अब कोई खतरा नहीं। जाओ, 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 जाओ। बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर भी कहीं लपक चपक हो जाए ना तो आ जाना भाई। आ जाऊंगा, लपक के आ जाऊंगा। जाओ, आइए आइए, मैं आप ही की राह देख रही थी। जी, मेरी राह देख रही थी? जी हाँ, कहिए। वो क्या है कि आप इस तरह दरवाजा खुला मत रखा कीजिए, कोई चोर वोर आ जाएगा, कुछ भी उठा कर ले जाएगा, आपको दरवाजा बंद रखना चाहिए। दरवाजा तो मैंने आपके लिए खुला छोड़ा था, आप चोर थोड़ी हैं। मैं चोर तो नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि आजकल जमाना बहुत खराब है जी। बाबूजी, हमारे यहाँ चोर नहीं डाकू आते हैं, लेकिन अब हमें डाकुओं का कोई खतरा नहीं। क्या बात करती हैं, डाकू से तो ज्यादा खतरा होता है। अरे, आप जैसे अवतार जो आ गए हमारी रक्षा करने के लिए। हाँ, वो तो है कि अपना वो राहुल नजर नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे, उसे तो मैंने आपके कहने पर बाहर भेज दिया। मेरे कहने पर? भूल गए, आपको मुझसे जरूरी बात करनी थी ना। हाँ, करनी तो थी, वो मैं यही कहने आया था जी कि आपके गांव की चांदनी रात बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है यहाँ की चांदनी रात। मैंने तो हिंदुस्तान में ऐसी चांदनी रात नहीं देखी। चांदनी रात? चांदनी रात अभी आपने देखी कहाँ है? जब से आप आए हैं अंधेरी रातें चल रही हैं। अंधेरी रातें हैं? यहाँ का अंधेरा भी तो बहुत अच्छा है जी, बड़ा घटा टोप अंधेरा है। अपने शहर में तो बत्तियां जलती रहती हैं। लेकिन वो क्या जरूरी बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है? सब कुछ बदल सकती है जी, वो दूध दूध उबल गया, दूध 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 उबल गया। देखिए जल्दी, सीमा जी, आपके यहाँ गांव में दूध का क्या भाव है? दूध का भाव 2 रुपए लीटर। बस 2 रुपए लीटर? अजी, शहर में तो 6 रुपए लीटर है जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर दूध का व्यापार शुरू करते हैं, अब फायदा ही फायदा है जी। वो कैसे? मेरे पास तो कोई गाय भैंस है ही नहीं। लो, इसमें क्या बात है, गाय हम खरीदेंगे ना। एक गाय सुबह शाम मिलकर कोई 12 लीटर दूध देगी, और 12 महीने के 12 36 360 लीटर। इस तरह एक गाय की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 10, 10 की 100। एक दिन हमारे पास 1000 गाय होंगी, इतना बड़ा डेयरी फार्म, 1000 गाय, सैकड़ों नौकर, और फिर हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहने लगेंगी, राम राज्य वापस आ जाएगा, और फिर बात आहिस्ता आहिस्ता रूस अमेरिका तक पहुंच जाएगी। दोनों मुल्कों की कोशिश होगी सीमा जी हमारी तरफ आए। अच्छा, आप रूस की तरफ जाएंगी या अमेरिका की तरफ? सो तो ठीक है, लेकिन उस कॉलेज का क्या होगा जो आप मेरे लिए खुलवाने वाले हैं? कॉलेज का भी होगा, ये मैं आपको कल कल सोच के बताता हूँ। सुनिए। हाँ जी। आप कुछ भूल गए हैं,
ये वो अपना राहुल है ना, उसके लिए लाया था। हाँ जी। मैं जाता हूँ, मैं जाऊँ? जाओ बड़े भाई। यार वो एक मिनट, अगर वो चारू लड़के होते तो मैं उससे कब की बात कर चुका था, बहुत सीरियस है वो। बड़े भाई अब मैं सीरियस हो जाऊँ? हाँ जाओ बड़े भाई। टेकू हाँ, तू जाके बात कर ले उसके सामने मुझसे। नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है, जाओ। चांद तारों में देखता हूँ तुम्हारी सूरत नजर आती है, हवाएं सरसराती हैं। सीमा, आपने मुझे बुलाया बाबूजी? चांद तारों की तरफ देखता हूं तो एक ही सूरत नजर आती है तुम्हारी, हवाएं सरसराती हैं, एक ही आवाज आती है, सीमा बाबूजी। सीमा, ना तो चांद तारे हैं ना सरसराती हवाएं, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल देती है? मैं अभी बड़ी मुश्किल से, मुझ में हिम्मत आई थी, मैंने याद करके कुछ। सीमा जी, फिल्म देखता हूँ तो हिरन के चेहरे में तुम्हारा चेहरा नजर। अरे ये क्या करे, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। देखने दीजिए, आज सारे जमाने को देखने दीजिए। चांद सितारो, तुम तो साक्षी हो, तुम्हारे सामने मैंने सीमा का हाथ पकड़ा है। सीमा जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ लेकिन कह नहीं सकता, एहसान तेरा होगा मुझ पे, मुझे अपनी छांव में रहने दो, रहने दो। बाबूजी, अब जो कहना है मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए। इन आंखों में डायरेक्ट देखकर तुम्हें कुछ बोल ही नहीं सकता। शहरी बाबू, कितने दिनों के लिए आए हो यहाँ? महीना, दो महीना? इधर तुम्हारा काम खत्म हुआ और चल दोगे कोई नई नगर, कभी न लौट के आने के लिए, और छोड़ जाओगे यादें और एक बिरहन जो गांव की मुंडेर पर बैठकर तुम्हारी राह तकती रहेगी, हर आने जाने वाले से तुम्हारा पता पूछती रहेगी। बाबूजी, हम बड़े भोले लोग हैं, तो मीठे बोलों के बदले जन्म भर का सौदा कर बैठते हैं। तुम लोगों के लिए दिल लगाना एक खेल है, कभी ये भी सोचा है मुझ पे क्या गुजरेगी? तुम ये खेल क्यों खेल रहे हो बाबूजी? सीमा जी, आप रोइए मत। सीमा जी, उससे आपके आंसू देखे नहीं जाते, मैं ये नाटक ही बंद कर देता हूं, चाहे मुझे डाकू की गोली से मरना क्यों ना पड़े। तो आप मानते हैं कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहा था। आपको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत थी जी, इसीलिए तो बोला। अब हम समझते थे कि हम बहुत बड़े चक्री हैं, लेकिन हमें क्या मालूम था हमसे कोई बड़ा चक्रवर्ती इस दुनिया में है जो हमें फंसा के इस गांव में ले आया इन डाकुओं से लड़वाने के लिए। अब ना तो हमारे पास हथियार है, और फिर खुद सोची कि हम दो निहत्थे इंसान इतने बड़े डाकुओं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि हमें आप पर पूरा शुभ हुआ था कि आप उस ब्लैकमेल को जानती हैं, और ये स्कीम उस टिंकू की थी जी, कि मैं आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के आपसे उगलवा लूं कि वो ब्लैकमेलर कौन। लेकिन आज आपके ये आंसू देखकर, आपको इतना जज्बाती देखकर, मैं आपके साथ ड्रामा खेल ही नहीं सका। अगर हमें पता चल जाता वो ब्लैकमेलर कौन है ना जी, हम उसकी ऐसी तैसी करके निकल जाते। मैं उस ब्लैकमेलर को जानती हूँ और आपसे मिलवा भी सकती हूँ जी। आइए। यही है वो ब्लैकमेलर जो आपको शहर से हमारे गांव में लाया है, यही है वो ब्लैकमेलर जिसने आपको मेरे दिल से खेलने को कहा, यही तो है वो जो सारे खेल खिलाता है।
आप इसे पूछिए बाबूजी, ये ऐसा क्यों करता है? इससे पूछो। इतनी देर कर दी लड़की पटाने में। सीमा सचमुच देवी है, उसके बारे में ये सोचना कि वो ब्लैकमेलर है बहुत बड़ा पाप। वो सब ठीक है बड़े भाई, लेकिन ये देखो हमारा बाप हमारे लिए क्या छोड़ गया है। ये इतने सारे हथियार, ये सब यहाँ पहुंचाए किसने? आपके पिताजी ने भेजा है। लिखा है कि बड़े भाई ने बहुत दिनों से दिवाली नहीं खेली है ना, तो टिंकू के साथ मिलजुल के खेल लेना। टिंकू क्या मजाक कर रहा है यार? अरे मुझे क्या मालूम किसने भेजा है, जब मैं आया तो ये दुकान सजी पड़ी थी। ये चिट्ठी लो, पढ़ लो। इसमें लिखा है, शाबाश, मुझे यकीन हो गया है कि सही काम के लिए सही आदमी चुने हैं। डाकू फिर आएंगे और मुकाबले के लिए गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी। ये बंदूक के गांव के जवानों के लिए है, और अगर बंदूक और जरूरत पड़ने पर और सप्लाई करेंगे जाएंगे। इसकी तो मैं टिंको, ब्लैकमेलर इज नाउ पेन इन माय बैक। अगर मेरे सामने आए ना तो इस खत की बत्ती बना के मैं उसके हाथ में दे दूंगा। बड़े भाई, इस वक्त ये बत्ती हमारे ये लो, शाबाश। गोलियां तो दी नहीं, हम चलाना कैसे सीखेंगे? पहले परेड होगी, फिर गोलियां चलानी सिखाई जाएंगी, समझे? परेड का मतलब बंदूक के ऊपर। तुम लोग बंदूक के ऊपर करके 10 दिन तक गांव के 10 चक्कर काटोगे सुबह शाम। ये लो, जाओ जाओ। अरे क्या बात है, लगा दिया ना चक्कर पर। अब क्या करें बड़े भाई, इनको गांव के चक्कर लगाने दो, हम यहां से निकलेगा कोई चक्कर निकालते हैं। राजा साहब, इस बार काशीपुर से नजराना नहीं आया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। काशीपुर के वासियों, इस साल तुम लोगों ने नजराना ना देकर हमारे क्रोध को ललकारा है, इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। राजा सुंदर सिंह की जय। राजा साहब, मैं सारे गांव की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं और वादा करता हूं, इससे पहले कि माएं अपने बच्चों को दूध पिलाए, आपका नजराना पहुंच जाएगा। लेकिन इस बार राजा सुंदर सिंह नजराना लेने नहीं, उन सरकारी कुत्तों के लाशें लेने आया है जिन्होंने इस गांव के सारे लोगों को भड़काया है। अरे ओ सरकारी कुत्तों, सामने आओ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। मुझे लगता है इन गोलियों पे तुम दोनों का नाम लिखा हुआ है। किस पे किसका नाम लिखा है सुंदर सिंह, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जरा चारों तरफ घूमकर देख, इन गांव वालों की गोलियों पे तुम्हारा और तुम्हारे कुत्तों का नाम लिखा हुआ है।
हमारे एक इशारे पर तू और तेरे साथी भुने हुए चने की तरह इस धूल में पड़े होंगे। हथियार फेंक दे सुंदर सिंह, अगर जान प्यारी है तो अपने आदमियों से भी कह दे कि हथियार फेंक दे। फरमाबरदार बच्चे हैं बड़े भाई, कहना मानते हैं। इन फरमाबरदार बच्चों से ये भी कह दो कि ये जो पेटियां बांध रखी हैं इन्हें भी फेंक दे। कह दे। अरे सुंदर सिंह तू जो बेवकूफ है, तेरे सारे आदमी बेवकूफ है, ये सारी बंदूकों में एक भी गोली नहीं है, ये बंदूकें काली है, काली है। समय आ गया है सुंदर सिंह, तेरा कोई देवी देवता है तो उसे याद कर ले। इस पिस्तौल में जो गोली है ना, उस गोली पर तेरा नाम लिखा है। बेवकूफ गधे, आज तेरी वजह से बच के निकल गया। हीरो बनने का इतना शौक था तो हम लोगों को किस लिए बुलाया था यहाँ? मार लेते खुद उसको। आप लोगों को देखिए जोश में आ गया था। हम कब तक आप लोगों की अपनी जान जोखिम में डालेंगे हैं? बोलिए। माफ कर दीजिए इसे। माफ कर दीजिए इसे। अजीब लोग हैं, अजीब गांव वाले हैं। आज मैंने मार लिया होता उसको।
तुम इतने सारे पुलिस वालों मिलकर एक डाकू सुंदर सिंह को पकड़ नहीं सकते। सर वो छलावे की तरह आता है और लूट मार करके आसपास के जंगलों में छुप जाता है। ठीक है, हम और पुलिस का बंदोबस्त करते हैं। सरकार आपने दो पुलिस ऑफिसर काशीपुर भेजे तो है। हमने? हाँ सरकार, बहुत बहादुर, बहुत निडर, उन्होंने निहत्ते होते हुए भी सारे डाकुओं को मार भगाया। ऐसे ही दो ऑफिसर हमारे गांव भेज दें, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये लो बेटा। ये क्या है माँ जी? जेवर है, रख लो इसे, तुम्हारे पास ही हिफाजत से रहेंगे। एक वक्त तीरथ पे जाना है, अब तक ये सोचकर नहीं गई कि रास्ते में कोई डाकू ना लूट ले। आप फिक्र मत कीजिए, हम हिफाजत रखेंगे, आप अच्छा आराम से जाइए। अच्छा बड़े भाई, एक बार हम सुंदर सिंह के हाथों बच गए, अब वो कसाई हमें नहीं छोड़ेगा। वो जख्मी शेर बन गया है, हमें कुत्ते की मौत मारेगा। टिंकू, वो जख्मी शेर बन गया है या जख्मी कुत्ता बन गया, उस कुत्ते की मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। मुझे तो परवाह उसकी है जिसने हमें चक्रव्यूह में फंसाया है। ये बंदूकें भेज दी यहाँ, देख अपना शक्ति सीमा पे। सीमा बेचारी निर्दोष निकली, ये साला है कौन पहले उसका पता लगाना चाहिए, वरना हम निकल नहीं सकते यहाँ से। बड़े भाई, वो सूरजमल की लड़की है ना, वो मुझे बंबई में मिली थी। क्या मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर बैठा? अच्छा, उसने बदला लेने की धमकी भी दी थी, हो ना हो वही हमारे पीछे पड़ी हुई है। फिर तो मुन्ने बात बहुत आसान है, जाके उससे थोड़ा इश्क कर ले, फंसा ले उसको, बोल देगी सब कुछ। लेकिन वो मुझसे नफरत करती है बड़े भाई। और टिंकू, ड्रामा मत कर, मुझे तू सबक सिखाता था इश्क करना ऐसे करो बड़े भाई, उसको ऐसे फंसाओ, उसको ऐसे फंसाओ, उसे ऐसे फंसाओ। बोलता है नहीं हो सकता, देख हर बीमारी का इलाज है, मलेरिया के लिए कोनीन, पेट दर्द के लिए जुलाब, लड़की के लिए वो क्या, इश्क, इश्क, इश्क फरमाओ उसके साथ, फंसाओ इश्क में उसे, और वो बोलेगी कौन क्या है कौन क्या नहीं है। जाओ, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं बेटे, जाओ। ये बात है बड़े भाई, तो फिर देख मेरा कमाल, हमें कुछ नहीं बताओ बेटा, हम सब जानते हैं तुम्हारी चिंता तुम्हारी जवान कन्या है, जो एक मूज और घोड़ी है और किसी को हाथ नहीं रखने देती। आप सत्य कहते हैं महाराज, आप धन्य हैं। बेटा अपनी कन्या को बुलाओ। जो आज्ञा। आशा बेटी, ओ आशा बेटी। क्या है डैडी? देखो हिमालय से जोगी आए, तुमसे मिलना चाहते हैं। ओफो, फिर पकड़ाई किसी ढोंगी को। खामोश देवी, हम तुम्हारी कन्या से अकेले में वार्तालाप करना चाहते हैं। जैसी इच्छा। देवी, हम त्रिकालदर्शी हैं, हमसे कुछ नहीं छुपा, घृणा और प्रेम एक ही सिक्के के दो रूप हैं, कल का शत्रु आज का प्रेमी भी हो सकता है, हमारे करीब आओ बेटी। और करीब आओ, हमारे पास बैठ जाओ बेटी। हमें अपने मन के भीतर झांकने दो देवी। हम देख रहे हैं फुहारे चल रहे हैं, तुम्हारे सुंदर होंठों पर संगीत मचल रहा है, अब तुम एक सुंदर नर के गले लग रही हो। ये क्या, तुमने उसे थप्पड़ मारा? सर्वनाश, घोर सर्वनाश, तुम्हारा ये जन्म भी व्यक्त गया। ये जन्म भी? बालिके, मैं देख रहा हूं ये खेल पिछले जन्म से चल रहा है। पिछले जन्म में तुम एक राजकुमारी हो और वो एक कोचवान, ये क्या तुम उसे कोड़ों से मार रही हो? तुम्हारा वो जन्म भी व्यक्त गया और तुम्हारी जवानी सड़ गई। अब अगर इस जन्म में तुम्हारा मिलन ना हुआ तो अगले 5 जन्मों तक तुम कुंवारी ही मरोगी। आप ठीक कहते हैं, थप्पड़ मेरे मारा था। क्यों मारा था? तुमने सिर्फ उसे थप्पड़ ही नहीं बल्कि उड़न खटोले पे भी चक्कर दिए हैं। अब उसके मन में विराग बैठ गया है और उसने ब्रह्मचर्य की ठान ली है। यदि आज रात को तुमने उसके ब्रह्मचर्य का भंग ना किया
तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज रात ही क्यों महाराज? ब्रह्मचर्य का विष उसके लहू में फैलता जा रहा है, वो सुबह तक जिंदा नहीं रह सकता। यदि तुम कुंवारी नहीं मरना चाहती तो तुम्हें ये काम आज रात को ही करना होगा। ये साधु संतों की राय है, बाकी तुम्हारी मर्जी, हम चलते हैं। फिर से फायर। अब बैठ कर निशाना लगाओ। फायर। ये हैंड ग्रेनेड है, इसे हाथ गोला भी कहते हैं, और इसके अंदर ये जो पिन है इसको निकाल के इसको फेंको, 10 सेकंड के अंदर ये गोला फटेगा। अगर 10 सेकंड के अंदर आपने नहीं फेंका तो कुछ भी फट सकता है, यानी आपका हाथ उड़ सकता है, आपकी मुंडी उड़ सकती है। देखना चाहोगे इसके बाद होता क्या है? देखो ये पिन है ना, इसे मुंह से निकालो और गोला यूं फेंको और जमीन पर। अपनी बंदूकें फिर से भर लो। अंकल मुझे भी बंदूक चलाना सिखा दो। सिखा देंगे बेटे, पहले इन लोगों को सिखा दूं। हाँ नमस्कार मालिक। राम राम। टिंकू साहब, देख रहा हूँ आपने गांव के एक एक नौजवान को पक्का फौजी बना दिया। जी हाँ, बहुत अच्छा निशाना लगाने लग गए हैं सब। टिंकू साहब, रात मैंने एक अजीब सपना देखा। देखा कि एक नागिन आपसे लिपटी हुई है। सुबह जागी तो पूरा जिस्म दर्द करने लगा। जरा एक मिनट,
नागिन इससे लिपटी हुई थी और तुम्हारे जिस्म में दर्द हो रहा है। बात कुछ समझ में नहीं है। जी जी, इनका मतलब ये है कि इन्होंने नागिन को मुझसे अलग करने की कोशिश की, नागिन ने इन्हें डस लिया, वो भी सपने में। क्यों मैम साहब? हाँ, ऐसे ही हुआ था। तुम्हें कैसे मालूम? भूल गए आप, नागिन मुझसे लिपटी हुई थी सपने में। जी हाँ सपने में। आपको कैसे मालूम? तुम्हारे जिस्म में भी दर्द है? हाँ, मीठा मीठा सा। पानी 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 पानी। अरे पानी लो, पानी जल्दी जल देख। तुम्हारा ये हाल किसने किया? सुंदर सिंह, डाकू सुंदर सिंह ने। अगर मैं उसकी कैद से ना भागता तो वो मुझे मार डालता। उसका ठिकाना जानते हो तुम? हमें ले चलोगे वहां? नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। अरे डरो नहीं, ये देखो इन गांव वालों की तरह, इनके हाथों में बंदूकें हैं और इनका निशाना पक्का हो गया है। तुम पर आंच तक नहीं आएगी। वो मुझे मार डालेगा। अरे वो तुम्हें क्या मारेगा, उससे पहले हम तुम्हें मार देंगे। बताओ बताओ कहां है उसका ठिकाना? सरकार, इस नदी के पार वो खंडर देख रहे हैं ना आप, बस वही है सुंदर सिंह का पड़ाव। वो खंडर साले का अड्डा है। जी हाँ। इस तरफ इतनी बड़ी फॉल, उधर इतनी बड़ी खाई, देखो नदी भी काफी लंबी है यार। देखो भाइयों, यूं समझिए आज तुम्हारी ताकत और उस ट्रेनिंग का इम्तिहान है। नदी को पार करके आज भेड़ी को छोड़ेंगे नहीं। सरकार, तू तो बड़ा काया निकला। क्या खूबसूरती से मछुआ की तरह सबको पानी में घेर के रखा है। इस साले ने धोखा किया हमारे साथ। और वो धोखा नहीं था, जब खाली बंदूक से हमारी पेटियां उतरवा ली थी, हमारी बंदूकें फेंकवा ली थी। आप करो तो सब सफेद और हम करो तो सब काला है। गांव वालों को बचाने आए थे ना तुम? ये देखो सब मछली की तरह फंसे हुए हैं जाल में, और उधर गांव में अगला पिछला सारा हिसाब चुकता हो रहा है। अब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम।
बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। आज जितनी लाशें जल रही हैं, ये सब मेरी आंखों के सामने पैदा हुए थे। इससे पहले भी मैंने बहुत सी चिताएं जलती देखी हैं, लेकिन ऐसा भयानक मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। आज हर घर में मातम है, कौन किसके घर में शोक मनाने के लिए जाएगा? मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इस गांव से चले जाएं। हम डाकुओं को नजराना दे देंगे। मेरी आपसे फिर विनती है, आप ये गांव छोड़ जाएं, चले जाएं यहां से, चले जाएं। जा रही हूं। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सदियों से इस गांव के लोगों को जुल्म और सितम सहने की आदत हो गई है। जब बर्बादी हमारे नसीब में लिखी है तो तुम क्या कर सकते हो? तुम क्यों पराई आग में चलोगे? आखिर हम तुम्हारे लगते ही क्या हैं? अरे हाँ, जाने से पहले उस बूढ़ी औरत के घर जरूर जाना जो तीर्थ यात्रा के लिए तुम्हारे पास अपने जेवर छोड़ गई थी। उसे कहना कि अब वो तीर्थ यात्रा का ख्याल भूल जाए। और छैला के घर भी जरूर जाना। उसकी बूढ़ी माँ से कहना कि वो अपने बेटे की शादी का सपना भूल जाए। इस गांव में डोले नहीं, जनाजे उठेंगे। फिर कब मुलाकात होगी? कभी नहीं। गांव में न सही, शहर में तो मिल सकते हैं। मैडम, ये दुनिया है ना, एक ट्रेन की तरह है, क्लासों में बटी हुई है। एक क्लास में बैठा हुआ मुसाफिर दूसरे क्लास के मुसाफिर से नहीं मिल पाता। मिल भी सकते हैं। अगर दोनों में से एक मुसाफिर अपने क्लास छोड़कर दूसरे के क्लास में आ जाए, तुम ना सही, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे क्लास में। आप आएंगे? मैडम, आप नहीं जानती कि मेरा क्लास क्या है। मैं एक सरकारी अफसर नहीं, एक चोर और चक्का मुजरिम हूं। पुलिस मेरे तलाश में है और शायद शहर पहुंचने से पहले ही मैं अपने आप को जेल में पाऊं। टिंको, इस गांव में आकर तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो। प्रायश्चित? अब तो न जाने कितने निर्दोष लोगों का लहू मेरे सर पे है। और मत पियो। पीने दो मुझे, आज मैं सब कुछ भुला देना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, मैं भी आज पीऊंगी। मैं भी सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? अपना मिशन अधूरा छोड़कर मत जाओ। गांव वालों ने हमें जाने को कह दिया है। ठीक है, मगर जाने से पहले मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। तुम्हारा अधूरा मिशन मैं पूरा करूंगी। तुम? मैं ही नहीं, इस गांव की सब नारियां। आज की नारी निर्बल नहीं, बलवान है। मर्दों ने हिम्मत हारी है, हमने नहीं। पाया। वेरी गुड। पाया। अरे गल हो ना, आप लोग तो छक्कों की बारात लग रहे हैं। गांव वालों, मर्दों वाली बात तुम में नहीं, इन लड़कियों में है जो डाकुओं का मुकाबला करने के लिए बंदूक चलाना सीख रही हैं। अरे शर्म करो, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? याद रखो, हर जीत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उठाओ बंदूकें। शाबाश छैला,
लाल बेटे, ये सारा सामान, ये बंदूकें, ये सब तू लाया है? हाँ। वाह, सुना टिंकू। वो क्या है बड़े भाई, ये बहुत समझदार लड़का है ना। पिछले बार जब सुंदर सिंह से मुकाबला हुआ था, हम बहुत हथियार खो चुके थे, है ना? हाँ बेटा। अच्छा बेटे, एक बात बता, ये सारा सामान तुझे कौन देता है? कौन देता? कहाँ से लाता है? वही जो तुम्हें चिट्ठी लिखता है। डाकू फिर आएंगे और मुकाबले के लिए तुम्हें गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर और असला सप्लाई होता रहेगा। असला और सप्लाई होता रहेगा? मुन्ने, नन्ने मेरे बेटे, जरा बता दे तो कहां से माल सप्लाई होता है, कौन भेजता है? बहुत अच्छा लड़का है ना, बता दे। बता दे। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? कैसे नहीं बताएगा? बता, नहीं तो बोल। नहीं बताएगा। अरे कैसे नहीं बताएगा? कैसे नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं बताऊंगा। अरे कैसे नहीं बताएगा, बता। मैं तीन तक गिनता हूँ, बता दे। एक। और टिंकू के बच्चे शर्म नहीं आती? बच्चे पे हाथ उठाते हैं, छोड़ दे से। इस मासूम पे हाथ उठाता। अरे बेटे कहाँ लगी? अरे रे 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 रे। अरे शर्म नहीं चाहिए, छोटे बच्चे पे हाथ उठाते हो, बंदूक दिखाते हो उसे, लानत है तुम पे। जा बेटे, शाबाश। क्यों जाने दिया उसे? क्यों जाने दिया उसे? टिंकू उसके तेवर देखे? देखा किस मिट्टी का बना हुआ है? तूने हाथ मारे, दो मुक्के मारे, बंदूक दिखाई, बेटा सिमस हुआ? नहीं हुआ ना? वो कुछ नहीं बताएगा। एक बात सुन ले, पपलू अपने हाथ में लग गया है। अब इस पे कड़ी निगरानी रखो। शाम को कहां जाता है, किसे मिलता है, किससे बात करता है, इसके जरिए हम ब्लैकमेलर तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या बेतुकी की बात करता है? डेढ़ फुट के उस छोरे ने तुम्हारा ट्रक छुपा लिया, हम सबको तिगड़ी का नाश नचा दिया। अपना तो मन ही नहीं मानता है। जरूर वो सरकारी अफसर है ना ससुरा, उन लोगों की चाल है ये। नहीं राजा साहब, वो सरकारी अफसर तो खुद उससे परेशान है, मार मार के हड्डी पसली बराबर कर दी, मगर उसने नहीं बताया कि ट्रक कहां छुपा है। हमको बताएगा कि वो ट्रक कहां है, हम खुलवाएंगे उसकी जुबान। बता तो मैं सर राहुल कौन है? हम सिर्फ राहुल को ले जाने के लिए आए हैं। बताओ, उन्हें गोली मार दूंगा। मैं हूँ राहुल। नहीं, ये झूठ बोलता है। मैं राहुल हूँ। 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 चुप। ए मास्टरानी, बच्चों को स्कूल में झूठ बोलना सिखाती है? बताओ इनमें से राहुल कौन है, नहीं तो सबके सबको जान से मार दूंगा। राहुल बीमार है, आज घर पे ही है। मैं तीन तक गिनूंगा, अगर ना बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक, दो। दीदी को छोड़ दो, मैं ही राहुल हूँ। राहुल अपनी बंदूकें फेंक दो और अपने घोड़ों से उतर जाओ। अगर किसी ने बच्चों को हाथ लगाया तो सबकी खोपड़ियां उड़ा दूंगा। अब ये रस्सा लो और बांधो इन सबको। Yes, 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 yes.
उस चूहे सुंदर सिंह से कह दो कि तुम झमूरों के लिए बच्चे ही काफी हैं। अगर हमसे मुकाबला करना हो तो सामने आए। राइट टर्न, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट। काम जादो! राजा साहब, इस वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से काम करना है। राहुल को अब जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। गांव का एक एक आदमी भारी बंदूक लेकर घूम रहा है। ऐलान, गांव वालों, जब तक राहुल हमारे हवाले नहीं कर दिया जाता, गांव से हर रोज एक लाश उठेगी। राजा सुंदर सिंह। राहुल की तरफ जिसने भी देखा उसकी आंखें निकाल देंगे हम। आंखें नहीं, उसकी अंतड़ियां निकाल लेंगे हम। वो कमीना इधर भपकियों पे उतर आया है इसलिए कि वो जानता है इस गांव में अब इंसान नहीं शेर बसते हैं। आज के बाद हर रात को गांव के चारों तरफ पहरा दिया जाएगा। अब अगर किसी डाकू ने इस गांव में कदम रखा तो लाश उठेगी उसकी। राम लक्ष्मण जी, खंडर में तो भूतों का वास है, वहां पहरा कौन देगा? अगर गांव वालों को भूतों से डर लगता है वहां पहरा मैं दूंगा। मार दे मुझे, अपनी ये दो नाली बंदूक मेरे सीने के पार कर दे। तू यहाँ क्या करने आई है? हाय चंदा, तुझे देखा तो पहली नजर में कुछ ठान लिया था, और केत की जो ठानती है वो करके दिखा दिए। फिर आज की रात तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। सारे गांव पर मौत मंडरा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। जा घर जाके ताला लगा कर सो जा। आज की रात ताला लगा कर सोने की नहीं, आज की रात तो दिल का ताला खोलकर जागने की रात है। ये ले चाबी। क्या उल्टी सीधी हाँक रही है? क्या हो गया तुम्हें? हाय रे चन्ना, कैसा मर्द है रे तू, सब कुछ मुझसे ही कहलवाएगा। कुछ तो मेरी आंखों में देखकर पढ़। क्या देखूं तेरी आंखों में? तोता मैना की कहानी लिखी है। चल भाग जा। Na na na.
केतके, केतके, केतके। देखा सुंदर सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे वो बच्चे की खातिर एक एक करके सारा गांव बलि चढ़ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि राहुल को सुंदर सिंह के हवाले कर दिया जाए। वासेठ साहब, क्या बात कही आपने? आप चाहते हैं हम इसे कसाई के आगे डाल दें, इसका सर काट दें? इससे अच्छा तो यह रहेगा कि हम ही इसे मार डालें। गोली आप चलाएंगे या मैं चलाऊं? चुप क्यों हैं आप? डैडी, इतना कड़ा पहरा, पहरे पर मैं भी थी, बाहर से कोई नहीं आया। हो ना हो, डाकू हम में से कोई एक है। कौन है वो? सिंह साहब, टिंकू या आप? लेकिन शहरा की मां की चीख पुकार से मैं अपने होश खो बैठा था। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे जाने राहुल को प्यार नहीं करता? भाई साहब, जरा माचिस देंगे।
नहीं भाई, माचिस वाचिस नहीं है। क्या हुआ बड़े भाई? साधु को कहीं देखा है यार? दारू पी के देखा होगा, मैंने की पता? पता तनु पता, ये वही ट्रक ड्राइवर है। क्या कहा बड़े भाई? ये वही ट्रक वाला जिसने कहा था ये लो चाबी और बांधो मुझे ट्रक के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक सूरजमल का है और सूरजमल डाकुओं से मिला हुआ है। मैं उस मुच्छड़ का पीछा करता हूँ। करेक्ट पकड़ा टिंको तूने, ये 100% उसी का आदमी है। राहुल, सीमा, कहाँ गए ये लोग? आदमी सूरजमल की हवेली की तरफ गया है, सूरजमल ही डाकुओं से मिला हुआ है। तेरे पास वो लेटर है जो ब्लैकमेलर ने लिखा था? ये देख, दोनों ही लेटर इसी टाइपराइटर से टाइप हुए हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब ब्लैकमेलर मैं हूं। आप? हाँ, मैं ही आप लोगों को ब्लैकमेल करती आई हूँ। आपको हमारे बारे में इतनी तफसील में कैसे पता चला? कि आपके बॉम्बे की पूरी पुलिस को नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और आप हमारे बारे में? और आप एक देहाती लड़की इतनी दूर के गांव में? मेरे भैया दीपक बम्बई पुलिस में काम करते थे। चोरी और डकैती के जो केसेस सबूत न मिलने की वजह से वो हल नहीं कर सकते थे, उन्हें अपनी डायरी में नोट कर लेते थे। फिर उनकी पोस्टिंग इसी इलाके में हो गई। मैं भी उनके साथ गांव चली आई। भैया ने कसम खाई थी कि डाकुओं का सफाया करके रहेंगे। उनके दिन रात के छापों से सुंदर सिंह का गिरोह परेशान हो उठा। और फिर एक रोज हमें चिट्ठी मिली। चिट्ठी मिली कि सुंदर सिंह दीपक भैया के बेटे राहुल को उठा के ले गया। भैया सुंदर सिंह के बताए हुए अड्डे पे अकेले पहुंच गए। आओ आओ इंस्पेक्टर, हमको पता था तोरे का मोह तुझे मेरे पास खींच लाएगा। सुंदर सिंह, अगर मर्द है तो मर्दों वाली बात कर, मुकाबला तेरा और मेरा है, मेरे बेटे को छोड़ दे। बहुत घनगरजर है तेरी आवाज में, और क्यों ना हो। ये साली ससुरी काकी वर्दी चीज ही ऐसी है, जो भी पहन लेता है समझता है कि 30 मार्का बन गया, और समझता है कि राजा सुंदर सिंह को हथकड़ियां पहना देगा। सुंदर सिंह, तू मुझे खत्म कर सकता है, मेरे बाद जो इंस्पेक्टर आएगा तू उसका भी कत्ल कर सकता है। ये वर्दी पहनने वाले बदल सकते हैं सुंदर सिंह, लेकिन एक बात याद रखना, यह खाकी वर्दी कभी नहीं बदलेगी, और वो तेरे और तेरे साथियों का खात्मा कर दे। तू ठीक कहता है इंस्पेक्टर, बहुत दबदबा है तेरा इस वर्दी का गांव वालों के ऊपर, और वो मूर्ख लोग समझते हैं कि ये वर्दी जो है ना वो राजा सुंदर सिंह से भी ऊपर की चीज है, और मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। लेकिन सुंदर सिंह, मेरा बेटा कहां है? वो रहा तेरा जो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। इस बंदूक में दो गोलियां हैं, मगर चलेगी एक ही, और निशाना होगा तेरा छोरा। अगर तू यहां से भागकर उसका ढाल बन जाए तो वो बच जाएगा। अब देखना यह है कि इस गोली में नाम तेरा लिखा है तेरे छोरे का। लगता है समझ में आ गया तेरे को। अब मैं सिर्फ 5 गिनूंगा,
एक, नहीं डैडी, दो, रुक जाइए डैडी, तीन, नहीं डैडी, रुक जाइए, चार, प्लीज डैडी रुक जाइए, काफी तेज भाग रहा है। डैडी, ए छोरे, अब ले जा अपने बाप की लाश को काम में, ताकि काम के लोगों को पता तो चले कि राजा सुंदर सिंह खाकी वर्दी की कितनी इज्जत करता है। चलो साहब, चला। भैया की अस्थियां जो कब से इंसाफ मांग रही हैं, उनके भयानक कत्ल के बाद लोगों के दिलों में सुंदर सिंह की दहशत और बढ़ गई। मैं औरत और राहुल बच्चा, समझ में नहीं आता था हम दोनों डाकुओं का मुकाबला कैसे करेंगे। एक रात बैठे भैया की डायरी पढ़ रही थी, उससे मुझे तुम दोनों के बारे में पता चला कि तुम दोनों बहादुर हो, जान हथेली पे रख के चलते हो। चोर होने के बावजूद इंसानियत अब भी बाकी है तुम दोनों में। मुझे रोशनी की झलक दिखाई दी और मैंने तुम दोनों को खत लिख दिया। अंधेरे में तीर चलाया और वो निशाने पे जा बैठा और तुम दोनों यहां आ गए। लेकिन टेलीफोन पर जिसकी आवाज सुनाई दी वो तो कोई मर्द था। वो भैया के दोस्त थे। मेरे पास तुम दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम लोग आजाद हो, जाने के लिए भी रुकने के लिए भी। अब कोई बंधन नहीं है। कसम पूरी करने वाला राहुल खुद अपने को सुंदर सिंह के हवाले करने चला गया। राहुल ने ऐसा क्यों किया? उससे बेगुनाह लोगों की हत्या नहीं देखी गई। भाई की चिता को जलता देख चुकी हूं, अब राहुल की चिता को भी आग दे दूंगी। अब बताओ छोरा, वो ट्रक कहां है? नहीं बताऊंगा। देखो, नहीं बताओगे तो मैं तेरी चिपकली वाली जुबान को गुद्दी में से निकाल लूंगा। दिमाग से काम ले सुंदर सिंह, जबान खींच लेगा तो बोलेगा कौन? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा छोरा। मूर्ख है तू सुंदर सिंह, ना मैं देख सकूंगा ना तुझे ट्रक दिखा सकूंगा। निकाल ले आंखें। अब मैं तेरे भेजे का भुर्ता बना दूंगा। किसको धमकी दे रहा है तू सुंदर सिंह? मैं जानता हूं तू मुझे मार नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो तुझे ट्रक का पता कभी नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है, इसकी तिट्टी को खत्म कर दो। बुजदिल हो तुम सुंदर सिंह, मर्दों वाली बात करो। औरतों पर सिर्फ नामर्द लोग हाथ उठाए करते हैं। हरामजादे! यही है तो आप यहां लेकर आए ट्रक, क्या बात है। तो बनाया हम दोनों को आपने। टिंकू, ये तो पूरी बटालियन को खत्म करने का सामान है भाई। देखा? हम्म।
देखो मैं जा रहा हूं, तुम यहीं रहना मगर होशियार रहना और जैसे गोली की आवाज सुनो ये ट्रक लेकर पहुंचाना। ओके ऑल द बेस्ट। क्या बकते? हाँ तुम डाकुओं से मिले हो और हम भी सरकारी अफसर नहीं, हम चोर हैं। असली से भरा हुआ ट्रक इस वक्त हमारे कब्जे में है, खरीदते हो? ट्रक कहाँ है? ट्रक ये वही ट्रक जी महाराज, आइए देखो। कीमत 15-20 लाख आराम से मिल जाएंगे। मेरा ही मालूम, मुझसे दुगनी कीमत। अगर सुंदर सिंह को ट्रक नहीं मिला ना वो तुम्हारी जान ले लेगा। अपनी जान के मैं सुंदर सिंह से तुम्हें 10 लाख दिलवा सकता हूँ, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। इतनी मोटी सी जान और सिर्फ 10 लाख में? कोई बात नहीं, समझेंगे सांड से थोड़ा सा दूध निकाल लिया। आओ गुलाब सिंह। सुंदर सिंह, हाय हाय। ओए सूरजमल, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू पुलिस के इन कुत्तों को मेरे ठिकाने पे लेकर आया है? राजा साहब, ये सरकारी अफसर नहीं, हमारी इज्जत बिरादरी के लोग हैं। बेचारे राहुल की मासी के कारण सूली में चढ़े हुए थे, अब आपको गोला बारूद का ट्रक बेचने आए हैं। अच्छा जरा दिखाओ टैंको, ट्रक का फटा डाउन कर दो। क्या हुआ? ये क्या है? 10 लाख, सौदा 10 लाख में तय हुआ है। और एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके किसी आदमी ने गोली चलाने की कोशिश की तो इसे कहते हैं हैंड ग्रेनेड, पिन बाहर जाएगी, बम उधर जाएगा। और सुंदर सिंह, अब तक तुम जान गए हो कि तुम्हारी किसी गोली पर हमारा नाम नहीं लिखा है। लिखा भी कैसे होता, ये सुसरी गोली भी अपनी जात बिरादरी को पहचानता है। ओ मंगल सिंह। सरकार। जा माल लेकर आ। राजा साहब, बच्चे का क्या करें? अब उसका काम खत्म हो गया है, उसे गोली मार दो। ठहरो राजा साहब, इस बच्चे ने हमें बहुत परेशान किया है, हमारी मर्जी के खिलाफ आपसे लड़वाया, महलों से निकाल कर गांव की गंदी गलियों की धूल चटवाई। इजाजत हो तो ये काम मैं कर दूं। चल तू ही कर दे, तू अपनी बिरादरी वाला है। ले जा कलवा, इसको बच्चे के पास ले जाओ। डाकू जी, सच पूछिए, इस बच्चे ने हमारी बुद्धि मार रखी थी, इसका खात्मा लाजमी था। गिने लो। एक ही बिरादरी है भाई जी, रुपए पूरे 10 लाख हैं जी,
अब ट्रक आपका, मालिक आप जी, निकाल लीजिए माल जी। तो माँ बाप के पापों का प्रायश्चित किया करती है। ये क्या कह रही है बेटी? रुक जाओ, मैं डैडी, 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 इतने रुपए और पैसे होते हुए भी आप डाकुओं के साथ आखिर क्यों डैडी? लालच, सिर्फ लालच। बेटे, इस लालच ने मुझे राहुल, नहीं, मुझे तुम सब मिलकर मार डालो। मुझे बच्चे के हाथ नहीं मरना, नहीं मरना। खामोश। भूल गया हरामजादे वो दिन जिस दिन इस मासूम के सामने इसके बाप की जान ली थी?
सुंदर सिंह, तुमने मेरे निहत्ते बाप पर गोली चलाई थी। निहत्ते आदमी पर गोली चलाना बुजदिलों का काम है। मैं मर्द का बच्चा हूँ, मर्दों वाली बात करूंगा। मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, पुलिस वाली बात करूंगा। मैं तुझे कानून के हवाले कर दूंगा। मेरी गोली से तू मौत की मीठी नींद सो जाएगा, लेकिन कानून, कानून तुझे मौत से भी बदतर जिंदगी देगा। आज तक तू बच पाया है, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। लो, पुलिस आ गई। भाग सुंदर सिंह, मैं भी देखता हूँ तू अब कानून से कहां तक भाग सकेगा। भाग सुंदर सिंह, भाग। बड़े भाई, बहुत भटक लिया आपने जिंदगी में। मेरी तरह इस गांव में रुक जाओ ना। कैसे रुक जाऊं रे? तुझे तो तेरी मंजिल मिल गई। अपना मन तो पागल पंछी है, ना जाने किस मंजिल पे ले जाए। लेकिन तुम देखो, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से प्यार से रहना। ख्याल रखना मेरे भाई का। अंकल, अरे राहुल, अपना वचन निभाना। अपने डैडी की राख नदी में जरूर बहा देना। अच्छा, कोई आदेश मेरे लिए? क्यों मजाक कर रहे हैं सीमा जी? मैं ठहरे एक चालू किस्म का अनपढ़ आदमी आपको क्या आदेश दे सकूंगा? आप इतना जरूर कीजिएगा, राहुल जब बड़ा हो जाए ना, तो इसे पुलिस में बहुत बड़ा अफसर बनाइएगा। गांव वालों, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। आपकी याद साथ ले जा रहा हूं। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सीमा जी, मैंने जिंदगी में हेरा फेरी तो बहुत कर ली, अब कुछ काम करने को जी चाहता है। अगर आपकी पार्टनरशिप में एक डेयरी फार्म खोलूं तो कैसा रहेगा?